नमस्कार महप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मंदिर मठों के साथ विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध, 2023 दिसंबर तक पूरा होगा जेपी गंगा पथ। उत्तर बिहार के दो जिलों में भारी बारिश और ठनका का अलर्ट। पटना में बुलडोजर एक्शन, धारा 144 लागू। राजद सुप्रीमो को अस्पताल से मिली छुट्टी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मंदिर मठों के साथ विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। बिहार में बीते लंबे समय से मंदिर मठों के जमीन को बचाने की कवायद चल रही है। इसी बीच अब मंदिर मठों के साथ विकास के कामों में भी बढ़ोतरी होने की बात बिहार सरकार के मंत्री ने कही है। बीते दिन बिहार के मंदिर मठों की जानकारी साझा कर रहे बिहार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार गंगा जमुनी तहजीब का एक बेहतरीन उदाहरण है। राज्य सरकार प्रदेश के तमाम सार्वजनिक मंदिर, मठ और धर्मशालाओं की जमीन को सुरक्षित रखने और उनकी घेराबंदी का अभियान भी चला रही है और इनका निबंधन बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद कराने को सुनिश्चित कर रही है। वर्तमान समय में 2499 रजिस्टर्ड मंदिर और मठ के पास 18456 एकड़ जमीन है, यानी कि बिहार के 35 जिलों के नॉन रजिस्टर्ड 2512 मठ मंदिरों के पास 4321 एकड़ जमीन है। 2023 दिसंबर तक पूरा होगा जेपी गंगा पथ। जेपी गंगा पथ का निर्माण कार्य अभी भी 13 किलोमीटर बाकी है, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि फरवरी 2024 तक जेपी गंगा पथ का निर्माण कार्य पूरा किया जा सकता है। वर्तमान समय की बात करें तो 7.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है, वाहनों का परिचालन भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी 13 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना बाकी है। बरसात के चलते काम धीमा है, पर अक्टूबर से फिर से इसमें तेजी आएगी। बीएसआरडीसी के अधिकारियों का कहना है कि मार्च 2023 तक पटना घाट तक एलिवेटेड सड़क बन जाएगी। योजना के अनुसार मार्च 2023 तक पटना घाट तक एलिवेटेड सड़क बन जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गंगा नदी में एलिवेटेड सड़क बननी अभी बाकी है, इसलिए नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद काम को धीमा कर दिए जाने की उम्मीद है। पटना जू में जल्द ही दिखेंगे अफ्रीका के जानवर। आने वाले समय में आप भी पटना जू में जल्द ही अफ्रीका के जंगली जानवरों को देख सकेंगे, क्योंकि जल्द ही बिहार की राजधानी में स्थित पटना जू में साउथ अफ्रीका से 7 अलग अलग तरह के कुल 36 जानवर लाए जाएंगे। जिन जानवरों को लाया जा रहा है उसमें जिराफ, अफ्रीकी शेर, जेब्रा, डबल हॉर्न राइनो, इम्पाला, घड़ियाल और ओरिक्स शामिल है। पिछले दिनों पटना जू प्रशासन और साउथ अफ्रीका की डोनर एजेंसी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। ये सफल रहा तो फिर दूसरे फेज में राजगीर जू सफारी के लिए कुल मिलाकर के 20 जानवरों को लाया जाएगा। जू प्रशासन की तरफ से जल्द ही जानवरों को रखने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है और बाड़े भी तैयार किए जा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में फैला कोरोना। बिहार में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इसी बीच अब कोरोना की एंट्री नीतीश कैबिनेट में भी हो गई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार कैबिनेट के 2 मंत्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनकी रिपोर्ट रविवार को ही आ गई है, जिसके बाद ये दोनों मंत्री को आइसोलेशन में रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके कारण ही बिहार का स्वास्थ्य महकमा भी परेशान नजर आ रहा है। उत्तर बिहार के 2 जिलों में भारी बारिश और ठनका का अलर्ट। बिहार में इन दिनों बारिश का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते 2 दिनों से राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश का असर तो देखने को नहीं मिला, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश लगातार हो रही है। इसी बीच अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे के भीतर राजधानी पटना समेत अन्य जगहों पर वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तर बिहार के अररिया और किशनगंज जिले में 1-2 जगहों पर ठनका गिरने के साथ ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य के सभी हिस्सों में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाओं का प्रवाह बना हुआ है। 60 की उम्र पार कर चुके पुलिस वालों की अब होगी संविदा पर नियुक्ति। बिहार में अब शातिर अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी 60 साल की उम्र पार कर चुके पुलिस वालों की होने वाली है, क्योंकि अब बिहार सरकार एक बार फिर से बिहार में रिटायर हो चुके पुलिसकर्मियों को नौकरी पर रखने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर पटना पुलिस मुख्यालय की तरफ से बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर, एसआई दरोगा और एएसआई सहायक दरोगा के 6,250 पदों पर रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की बहाली होने जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार एसआई और एएसआई के 6,250 पदों पर रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की बहाली होगी। एसआई और एएसआई के 3,000 पद और इंस्पेक्टर के 250 पद शामिल है। हालांकि सवाल भी कई उठ रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ बिहार में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस में 60 की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही है कि वो बिहार के शातिर और युवा अपराधियों को पकड़े। इसी सप्ताह से पटना की सड़कों पर दौड़ने लगेगी सीएनजी वाली प्राइवेट बसें। बिहार की राजधानी पटना के ही अलग अलग इलाकों के लिए चलने वाली पीली वाली प्राइवेट बसों का परिचालन इसी सप्ताह से बंद होने वाला है, जिसके बाद ही अब इन बसों की जगह पर नई सीएनजी बसों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और 1-2 दिनों में पटना की ही सड़कों पर 47 नई प्राइवेट बसों का परिचालन होने लगेगा। जिला परिवहन कार्यालय की तरफ से प्रति बस 7.5 लाख का अनुदान देने का काम भी शनिवार को पूरा हो गया है। 10 जून से लेकर 1 जुलाई तक में कुल 3,52,50,000 का अनुदान दिया जा चुका है। वहीं 50 बसों में से 47 बसों
को अनुदान देने का काम हो चुका है। इसी के साथ 50 पुरानी पीली सिटी राइड बसें पटना शहर की सड़क से बाहर हो गई हैं, जो कि डीजल से चलती थी और बहुत प्रदूषण फैलाती थी। साइबर अटैक से बचने के लिए बिहार पुलिस ने जारी किया अलर्ट। बिहार में लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों ने प्रशासन के भी कान खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद से अब बिहार की पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। इसको लेकर हाल ही में अपराध अनुसंधान विभाग ने सभी जिला पुलिस और इकाइयों को दिशा निर्देश जारी किया था, जिसके बाद ही ये बताया गया है कि साइबर सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसमें साइबर सुरक्षा के लिए कई टिप्स भी दिए गए हैं। इसके साथ ही बिहार को निर्देश दिया गया है कि पासवर्ड को कैसा और कितना मजबूत होना चाहिए। पासवर्ड कम से कम 8 अंकों का हो ही और इसमें अंग्रेजी के बड़े छोटे अक्षरों के साथ स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी शामिल हो। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को जल्द मिलेगी रफ्तार। वाराणसी से कोलकाता वाया रांची एक्सप्रेसवे का ऐलान कुछ समय पहले ही हुआ था, जिसके बाद ही आम लोगों को भी इसके निर्माण कार्य के शुरुआत होने का बेसब्री से इंतजार है, जिसके बाद इसके निर्माण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार वाराणसी से कोलकाता वाया रांची एक्सप्रेसवे का निर्माण इस साल शुरू हो जाएगा। फिलहाल इसे बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके निर्माण में करीब 686 किलोमीटर लंबाई में करीब 24,275 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के 3 जिले कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिलों से होकर गुजरेगा। पटना में बुलडोजर एक्शन धारा 144 लागू। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की टीम रविवार से एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके तहत ही राजीव नगर थाना अंतर्गत आने वाले नेपाली नगर इलाके में बुलडोजर से घर ढहाने का काम हो रहा है, जिसके बाद से ही इसके बीच बचाव में स्थानीय लोगों ने तो डेरा डाला हुआ ही है। साथ ही जवा प्रमुख पप्पू यादव भी मौके पर मौजूद दिखे। आज भी नेपाली नगर में सुबह जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव स्थानीय लोगों के समर्थन में धरने पर बैठे रहे। उन्होंने प्रशासन के बुलडोजर का रास्ता रोक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने उन्हें वहां से हटा दिया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जवा नेता पप्पू यादव रविवार दोपहर में भी राजीव नगर पुलिस थाना पहुंचे थे, जहां पर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया था और वहीं इलाके में बवाल के चलते धारा 144 लागू कर दी गई और पप्पू यादव के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। राजद सुप्रीमो को अस्पताल से मिली छुट्टी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीते दिन चोटिल होने के बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद से उनके प्रशंसक में इस बात की परेशानी थी कि उनके मुखिया ठीक है या नहीं। हालांकि अब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों ने लालू प्रसाद यादव को अस्पताल से छुट्टी दे दी है। रविवार की देर रात तबियत बिगड़ने के बाद लालू प्रसाद यादव को पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल लालू प्रसाद की हालत सामान्य बनी हुई है, ऐसे में उनकी हालत पर पूरी नजर रखी जा रही है। अस्पताल पहुंचे तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू प्रसाद को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। जमाबंदी में गड़बड़ी से नाराज नीतीश ने जारी किया आदेश। बिहार की नीतीश सरकार जमीन से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए हर संभव प्रयास वैसे ही कर रही है। हालांकि इन सब के बावजूद बिहार में जमीन से जुड़े मामले खत्म होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में जमाबंदी से जुड़े शिकायतों का अंबार नजर आया है, जिसके बाद ही सीएम नीतीश की नाराजगी भी देखने को मिली। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भोजपुर जिले से आए एक शख्स ने महिला सीईओ की मनमानी की शिकायत की और इस शख्स ने कहा कि महिला सीईओ जमाबंदी रद्द करने की बात करती है और उनके एक एजेंट के जरिए पैसा मांगा जा रहा है, जिसके बाद ही सीएम नीतीश ने तुरंत ही जांच के आदेश भी जारी किए हैं। राजकीय सम्मान से होगा पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार। पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह का आज निधन हो गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार नरेंद्र सिंह का निधन इलाज के दौरान पटना के एक निजी नर्सिंग होम में हुआ। वो बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्होंने सोमवार की सुबह अस्पताल में ही अंतिम सांसें ली, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने की बात कही है। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी पूर्व मंत्री के निधन पर शोक जताया है। वहीं जीतनराम मांझी ने भी ट्वीट कर लिखा कि मेरे दुख सुख के साथ ही बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह निधन की सूचना से स्तब्ध हूं। भारत में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देशभर में कोरोना के मामलों में हर दिन के साथ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,135 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 24 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई। वहीं रविवार को कोरोना के 16,103 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 31 लोगों की जान गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक अब तक देश में कोविड संक्रमण के कुल 4,35,02,429 मामले आ चुके हैं। इनमें से 4,28,79,477 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भारत में फिलहाल 1,13,864 एक्टिव केस है, जो कि कुल मामलों के 0.26% है। मौजूदा रिकवरी रेट 0.26% ही है। विराट कोहली के डांस को लेकर सहवाग के बयान पर भड़के फैंस। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को रविवार को भारत और इंग्लैंड के बीच स्टन में खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मैच के तीसरे दिन के दौरान कमेंट्री करने का एक वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो में सुना जा सकता है कि सहवाग ने मैदान पर फील्डिंग के दौरान विराट कोहली के डांस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसी को लेकर सहवाग की सोशल मीडिया पर किरकिरी हो रही है और कमेंट्री में उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। वीडियो ट्विटर पर वायरल है और प्रशंसकों ने सहवाग को उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहा है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है निकिता कुमारी, बाबूलाल मरांडी, नुन्नू कुमार, विजय सिंह, शंकर मुखिया, के सिंह, निकिता कुमारी, मिथुन कुमार पंडित, दीपक कुमार, कविता कुमारी, महेश दास। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अतिक्रमण हटाने के लिए बिहार सरकार के बुलडोजर चलाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।